किसका अच्छा है। माइलेज के साथ साथ किसान आप देख सकते हैं, किसानों का जो ताता लगा है इस ट्रैक्टर को लेने के लिए कि कौन अच्छा माइलेज देगी और उसी ट्रैक्टर को हम लोग लेंगे। आयसर कंपनी के भी यहाँ पे तमाम अधिकारी आए हुए हैं, वो अपने ट्रैक्टर की खूबियों को दिखाना चाहते हैं। और इस समय तेल डाल दिया गया है 15 एम्पियर पे, यह गाड़ी चलाई जा रही है लगातार रोटावेटर लगा करके। ये हमको लगता है, मैं पूछना चाहूंगा, ये रोटावेटर 2.5 मीटर का है शायद, 2 मीटर पूरा है। मुझे देखिए थोड़ा जानकारी कम है भाई, मैं किसान हूँ लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। और लगातार देखिए चलाया जा रहा है। और इसके बाद जो डेमो होने जा रहा है वो डेमो होगा महिंद्रा का, जो उधर बगल में खड़ी है, उसके कंपनी के भी मालिक आए हुए हैं और जो हमारे साहब हैं इधर अभी देख रहे हैं। आप सभी कंपनी के अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तेल डाल दिया गया है और गाड़ी लगातार चल रही है और किसान भी ये देखना चाहता है कि वाकई में हम आयसर लें या महिंद्रा लें, क्योंकि और आयसर और महिंद्रा का जो कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। लगातार खेत की जोताई की जा रही है और यहाँ पे किसान आए हुए हैं और जो इसमें अच्छा माइलेज देगी उसी को किसान च्वाइस करेंगे। कंपनी चाहे जो भी हो, कंपनी सभी गाड़ियाँ अच्छी हैं, कोई गाड़ी खराब नहीं है, चाहे वो महिंद्रा की बात की जाए चाहे वो आयसर की बात की जाए। यहाँ बात की जा रही है माइलेज की, बात की जा रही है ट्रैक्टर के क्वालिटी की, और उस क्वालिटी को देखने के लिए हम लोग लगातार ट्रैक्टर के पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 200 लोगों की भीड़ है। भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ तो हजारों की होगी, लेकिन जो काम दिखाने का काम है वो इन ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगा। हम वो देखना चाहते हैं, भीड़ नहीं देखना चाहते हैं। धन्यवाद।